हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मुनि एजुकेशन। आज हम फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, सो लेट्स स्टार्ट। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। कई बार आपने आपके पेरेंट्स से कोई बड़ी डिमांड की होगी, जैसे कि वीडियो गेम चाहिए या फिर लैपटॉप चाहिए, स्कूटी चाहिए। तो पेरेंट्स आपको बोलते होंगे कि अभी नहीं, अगले मंथ में देंगे या फिर 2-3 महीने के बाद देंगे। तो वो उस अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। सपोज अगर कोई पर्सन 40,000 पर मंथ अर्न करता है, तो वो 40,000 स्पेंड नहीं करता है। उसमें से कुछ अमाउंट डेली यूज में इस्तेमाल होती है, तो कुछ अमाउंट एजुकेशन हेल्थ में इस्तेमाल होती है। तो वैसे ही उसमें से कुछ अमाउंट सेविंग्स में रखते हैं, जैसे कि एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट। वैसे ही एक आरडी होता है, तो कुछ अमाउंट म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं। अब कई बार आपने टीवी पे म्यूचुअल फंड्स के एड्स वगैरह देखे होंगे, तो अब उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में नहीं देखेंगे, सिर्फ इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे की जा सकती है वो देखते हैं। तो कुछ अमाउंट प्रॉपर्टी या फिर गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सपोज अगर 40,000 में से 20,000 ही स्पेंड किए और 20,000 सेव करके रखे, तो अगर आज की डेट में 20,000 बैंक में इन्वेस्ट किए, तो 1-2 साल में नियर अबाउट 22-23 ऐसे अमाउंट मिल सकती है। पर अगर वही 20,000 गोल्ड में इन्वेस्ट किए और फ्यूचर में अगर गोल्ड के प्राइसेस वगैरह इंक्रीज किए, तो वहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। तो वैसे ही एक एग्जांपल लेते हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है, कि अगर 10 रुपीज़ में 2 पेंस अभी आज मिलते हैं, तो कुछ 1-2 साल के बाद अगर महंगाई बढ़ गई, तो वही 10 रुपये की कीमत 10 रुपये ही रहेगी, पर उस 10 रुपये में 1 पेन मिलेगा। तो वैसे ही आपने कई बार आपके आसपास लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि हमारे ज़माने में तो इतने रुपये में बहुत सारा सामान आता था, पर अभी कुछ नहीं मिलता है। तो इसलिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको फ्यूचर में प्रॉफिट हो सकता है। अब इस फाइनेंशियल प्लानिंग के चैप्टर में हम बेसिक्स पढ़ने वाले हैं। क्लास 9th में तो कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है, पर फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से समझने के लिए आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, ये सब चैप्टर्स अच्छे से आने चाहिए। अगर आपको इस चैप्टर्स में कुछ डाउट हो, तो आप एक बार इसको रिवाइज कर लेना, तभी आप फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से समझ सकते हैं। अब इस प्रॉब्लम सेट 6.1 में के हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4 यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5 आप लोग ट्राई करना। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना, मैं आपके सारे डाउट सॉल्व कर दूंगी। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि अलका स्पेंड्स 90% ऑफ द मनी दैट शी रिसीव्स एवरी मंथ एंड सेव्स रुपीज़ 120। मतलब अलका को जो मंथली रुपीज़ मिलते हैं, उसमें से वो 90% ऑफ मनी स्पेंड कर देती है और 120 रुपीज़ सेव करती है। तो हमें पूछा है हाउ मच मनी डज शी गेट्स मंथली। तो हम इस प्रॉब्लम को मैथमेटिकली लिख के देखते हैं। सो अलका स्पेंड्स 90% ऑफ मनी दैट शी रिसीव्स एवरी मंथ। तो पहले तो अज्यूम कर लेते हैं कि अलका गेट्स मंथली रुपीज़ एक्स। सो अज्यूम अलका गेट्स मंथली रुपीज़ एक्स एंड शी स्पेंड्स 90% ऑफ इट। मतलब अलका कितने परसेंट सेव करती है, तो पूरा टोटल होता है 100%। उसमें से वो 90% स्पेंड कर देती है, मतलब 100 माइनस 90% इक्वल टू 10%। अब यहाँ पे परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। सो इस 10% को हम लिखेंगे 10/100। तो अलका सेव्स 10%, मतलब 10% ऑफ x वो सेव करती है। सो 10/100 इंटू x। और क्वेश्चन में दिया है कि वो 120 रुपीज़ सेव करती है, सो 120 इक्वल टू 10/100 इंटू एक्स।
अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा x इक्वल टू 120 इंटू 100 बाय 10। सो फाइनल आंसर इज 1200 रुपीज़। तो अलका को मंथली कितने रुपीज़ मिलते हैं? सो अलका गेट्स मंथली रुपीज़ 1200। अब यहाँ पे सेकेंड प्रॉब्लम है। सुमित बोरोड कैपिटल ऑफ रुपीज़ 50,000 टू स्टार्ट हिज फूड प्रोडक्शन बिजनेस। इन द फर्स्ट ईयर ही सफर्ड अ लॉस ऑफ 20%। मतलब कुछ फूड प्रोडक्शन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सुमित ने बोरो किए रुपीज़ 50,000 और फर्स्ट ईयर में उसको 20% का लॉस हुआ है। तो अब इस स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिख के देखते हैं। सो सुमित बोरोड 50,000 एंड इन फर्स्ट ईयर ही सफर्ड अ लॉस ऑफ 20%। सो लॉस इक्वल टू 20% ऑफ 50,000। अब परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। सो 20/100 इंटू 50,000। जीरो से जीरो कैंसिल, 500 इंटू 20 विच इज 10,000। तो उसको लॉस कितने का हुआ? 10,000 का। पहले अमाउंट थी 50,000 और अभी लॉस हुआ है 10,000 का। तो रिमेनिंग कैपिटल कितना होगा? 50,000 माइनस 10,000। एंड वो रिमेनिंग कैपिटल को उसने न्यू बिजनेस में लगाया है और वहाँ पे उसे 5% का प्रॉफिट हुआ है। तो अब रिमेनिंग कैपिटल विल बी 50,000 माइनस दिस लॉस 10,000। रिमेनिंग कैपिटल इक्वल टू 50,000 माइनस 10,000 विच इज 40,000। अब इस 40,000 पे उसको 5% का प्रॉफिट हुआ है। तो अब यहाँ पे इन द नेक्स्ट बिजनेस ही इन्वेस्टेड दिस 40,000 एंड द प्रॉफिट ही अर्नड ऑन इट इज 5%। प्रॉफिट अर्न ऑन रिमेनिंग कैपिटल इक्वल्स टू 5% ऑफ 40,000। तो 5/100 इंटू 40,000। जीरो से ज़ीरो कैंसिल, 400 इंटू 5। तो उसको प्रॉफिट होगा 2,000 का। तो अभी यहाँ पे 2,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो कैपिटल, टोटल कैपिटल कितनी होगी? ये 40,000 प्लस ये 2,000। Therefore, total capital after second year equals 40,000 plus 2,000, which is 42,000. तो पहले initial amount थी 50,000 और अब second year के बाद capital हुआ है 42,000। तो यहाँ पे उसको loss हुआ है। तो अब यहाँ पे हम लॉस फाइंड करते हैं। लॉस इक्वल टू 50,000 माइनस 42,000 विच इज 8,000। सो उसको टोटल इस सारे बिजनेस में लॉस हुआ है 8,000 का। अब हम यहाँ पे लॉस परसेंटेज निकालते हैं, विच इज 8,000 इंटू 100 बाय ओरिजिनल अमाउंट विच इज 50,000। सो जीरो से जीरो कैंसिल और कैलकुलेट करने के बाद हमें मिलेगा 16%। सो इन दिस होल बिजनेस ही सफर्ड अ लॉस ऑफ 8,000 रुपीज। तो अब फोर्थ प्रॉब्लम में दिया है
कि मिस्टर सैयद ने 40,000 रुपीज़ बैंक में 8% कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 ईयर्स के लिए रखे हैं। और फर्नांडिस की स्टेटमेंट हम बाद में देखते हैं, नहीं तो बहुत कंफ्यूज हो जाएगा। सो फर्स्ट स्टेटमेंट को लिखते हैं फॉर मिस्टर सैयद। अब हम यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद होगा, विच इज़ अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपने सीखा है, फिर भी मैं यहाँ पे अभी अमाउंट का फॉर्मूला लिखती हूँ, विच इज़ पी इन ब्रैकेट 1 + r/100(n). अब अमाउंट को इस फॉर्मूले से हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। पी कॉमन लेंगे तो 1 + r/100(n-1). अब यहाँ पे पी है 40,000 और आर है रेट 8% और एन की वैल्यू है फॉर 2 ईयर्स। सो 40,000 ब्रैकेट 1 + 8/100(2-1). 40,000 8/100 is 108/100(2-1). अब हम इसका कैलकुलेट करते हैं, 1.08 का स्क्वायर निकालते हैं और उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 40,000 × 1.08(2-1). 1.08 का स्क्वायर निकाल लेना, वो आएगा 40,000। अब यहाँ पे 1.08 का स्क्वायर विच इज़ 1.1664-1। सो अब फाइनल अमाउंट 40,000 × 0.11664। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे हमें मिलेगा ₹6,656। तो इतना उस मिस्टर सैयद को कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है। अब इस कंपाउंड इंटरेस्ट का हम परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज of interest on Mr. Sayed's investment. Percentage यहाँ पे अभी interest हमें compound interest मिला है 6656 divided by 40,000 × 100। 0 से 0 कैंसिल। सो परसेंटेज ये कैलकुलेट करने के बाद अब हमें परसेंटेज मिलेगा 16.64%। सो परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट ऑन मिस्टर सैयद इन्वेस्टमेंट इज 16.64। अब मिस्टर फर्नांडिस ने 1,20,000 इन्वेस्ट किया और उनको मिला है 1,92,000 रुपीज़ उनको मिली है आफ्टर 2 ईयर्स। सो अब हम यहाँ पे गेन कैलकुलेट करते हैं। गेन रिसीव्ड बाय मिस्टर फर्नांडिस विच इज 1,92,000 - 1,20,000। We get 72,000. Gain received by Mr. Fernandez after 2 years is 72,000. अब इस gain का हम percentage निकालते हैं। Percentage gained equal to 72,000. Original amount थी 1,20,000 × 100. 0 से यहाँ पे 0, 2 cancel. अब जब हम इसको solve करेंगे तो परसेंटेज गेन इज
60%। तो दोनों ने भी इन्वेस्ट किया था, पर ज़्यादा गेन मिस्टर फर्नांडिस को हुआ है। देयरफॉर मिस्टर फर्नांडिस इन्वेस्टेड मिस्टर फर्नांडिस इन्वेस्टमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड वॉज मोर प्रॉफिटेबल। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के अगले पार्ट में हम टैक्सेस के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट डाउन बिलो, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।